गुड मॉर्निंग स्टूडेंट द नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर कम्बस्टन टॉपिक फ्यूल्स ए कम्बस्टिबल सब बर्न फॉर रिलीजिंग इट्स हीट एनर्जी नाउ एज फ्यूल देखो बेटा सबसे पहले वो सबस्टांस जो जलने के साथ क्या रिलीज करे हीट एनर्जी उसे बोलते हैं फ्यूल फ्यूल में आपको पता ही पेट्रोल हो गया डीजल हो गया एलपीजी गैस हो गया ठीक है बेटा ऑल इट इज टू डेट वेन ए कम्बस्टिबल सबस्टांस इज बर्न

कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑफ दे कंबाइंड विद ऑक्सीजन ऑन बर्निंग एंड लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर और ये जब कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ मतलब कि जब भी इसे ऑक्सीजन मिलता है ये जलना शुरू हो जाता है और इसमें से क्या निकलता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ठीक है सबस्टान जैसे लकड़ी हो गया कोयला हो गया किरोसिन हो गया डीजल हो गया पेट्रोल एलपीजी एक्सेट्रा कॉमनली यूज हैसे फ्यूल फ्यूल्स में बी यूज एट होम इन इंडस्ट्री एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैस स्टेट ट एस नाउ ए बिट मोर अबाउट द फ्यूल इन डिटेल सबसे पहले बेटा अब हम फ्यूल्स के टाइप के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे कि कितने टाइप्स के फ्यूल होते हैं सबसे पहला बेटा कौन सा सॉलिड फ्यूल सॉलिड फ्यूल सॉलिड फ्यूल ऑन बर्निंग इमिट का मतलब क्या होता है बेटा निकलता है जब भी वो बर्न होता है तो क्या छोड़ता है लोट काफी ज्यादा स्मोक धुआं छोड़ता है ठीक है बेटा एशिस जो आपने पता ना जलने के बाद वो एशिश रेडिसू का मतलब यही होता है कि जलने के बाद जलने के बाद वो काफी सारा राख छोड़ता है ठीक है बेटा इसका मतलब ये होता है ऑल दो नाउ डे स्पेशल ऑफ द देश प्रोड्यूस लार्ज स्केल फ्रॉम इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ फ्लाई एश मतलब क्या है अब नए टाइम में बेटा काफी सारे टेक्निक्स आ गए हैं अब क्या करते हैं इन को यूज करके काफी सारे चीजें बनाए जाते हैं फैक्ट्रियों में जैसे सबसे इजी अगर बात करूं तो इसकी हेल्प से क्या बनाते हैं हम सीमेंट में यूज करते हैं इसको मिलाते हैं और ईटे बनाने में यूज करते हैं ठीक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस फील्ड जैसे कि वुड जो होता है यूज फ्यूल एज वेल एज फायरवुड ठीक है बेटा वुड को हम फ्यूल में यूज करते हैं और फायरवुड में भी यूज करते हैं दे नीड मोर स्पेस टू याद रखना इसे स्टोरेज स्टोर करने के लिए काफी ज्यादा स्पेस चाहिए कॉल स्टिल यूज एज ए डोमेस्टिक फ्यूल इन विलेजेस इंडस्ट्री एंड पावर जनरेशन पावर जनरेशन इन सच इज वेल्ड थर्मल पावर ठीक है बेटा इस तरह से जो पावर जनरेशन होता है उसे थर्मल पावर कहते हैं जिसमें हम क्या यूज करते हैं कोल यूज करते हैं नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल्स आर मोस्टली ऑप्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट फ्रॉम एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अब देखो बेटा जो लिक्विड फ्यूल होता है उसमें मेनली क्या होता है पेट्रोलियम पेट्रोलियम एक वर्ड होता है उसके अंदर पेट्रोल डीजल एल एलपीजी सीएनजी सब कुछ उसके अंदर ही होता है उसको कैसे अलग करते हैं उसका उस तकनीक का नाम होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टलेशन ये टेक्निक आप प्लस नाइन्थ और प्लस वन में पढ़ोगे इसके रिगार्डिंग डिटेल्स में ठीक है लिक्विड फ्यूल्स लीव रिलेटिवली लिटल स्मोक और इडीस याद रखना जो लिक्विड फ्यूल होता है वो सॉलिड फ्यूल के मुकाबले कम धुआं और

टेम्परेचर इज अब रूम टेम्परेचर ठीक है बेटा इग्निशन टेम्परेचर मतलब इसको इग्निशन टेम्परेचर बेटा वो टेम्परेचर होता है मतलब मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू बर्न मतलब कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज जलना शुरू हो जाए ठीक है अब देखो किरोसिन जलता कैसे कोई भी चीज जलने के लिए हमें चाहिए ऑक्सीजन किरोसिन प्लस ऑक्सीजन तो वो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट जो हमें चाहिए होता है किरोसिन इमिशन कंटेन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सूट या देखना किरोसिन जब भी जलता है उसमें से क्या निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हाईली पॉइजनस होता है ठीक है नेक्स्ट है पेट्रोल इट इज वन ऑफ द मेजर लिक्विड फ्यूल विद अ गुड कैलोरिक वैल्यू गुड कैलोरिक वैल्यू का मतलब क्या होता है एक ग्राम पेट्रोल जलने पे 48 किलो जाऊल हीट प्रोड्यूस होता है और याद रखना इसमें कोई भी साइड साइड प्रोडक्ट का मतलब कोई भी वेस्ट नहीं जनरेट होता है जब पेट्रोल जलता है पेट्रोल को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए पेट्रोल ऑक्सीजन जलेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसके बाद नेक्स्ट है बेटा डीजल डीजल की पेट्रोल के मुकाबले कैलोरिक वैल्यू कैलोरिक वैल्यू मतलब होता है कितना अमाउंट ऑफ जनरेट होता है वो कम होता है पेट्रोल के मुकाबले बट ज्यादा होता है किसके मुकाबले के मुकाबले ठीक है और ये भी कोई भी देश जनरेट नहीं करता सेम रिएक्शन वही है जब जलता कार्बन डाइऑक्साइड बट एक चीज याद रखना जब जलता है कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर एक नया चीज है सल्फर एसपीएम बेटा इसका फुल फॉर्म आप इसको एजी से देख लेना ठीक है और वाटर फॉर्म याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको अगर यह भी नहीं याद रहेगा तो आप बस कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर और हीट लिख देना यह पावे मत लिखना कोई इशू नहीं है ठीक है नेक्स्ट है फ्यूल नाइदर लीव एनी रिड्यूस ऑन द बर्निंग नोर द इमिट याद रखना फ्यूल जनरेट करता है ना, तो वो क्या करता, ना ही धुआं प्रोड्यूस करता है जैसे आपके चूल्हे मतलब रसोई में जलने वाला सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कोई भी तरह का वो बेस जनरेट नहीं करता है ठीक है दे आर यूज एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल लेवल लेट एस नाउ मोर अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस फ्यूल ठीक है बेटा तो आज हमने इतना ही पढ़ना है ओके थैंक यू फॉर टूडिंग